आज इन शम सूरतुल्बकर की आयत नंबर 158 से स्टार्ट लेंगे आउदबिल्लाश तजीम बसमिल्लाम सफ़ा वमवा तमिन श्ला बेशक सफा और मरवा की निशानियों में से हैं ये दो पहाड़ियां आज भी मके के अंदर मौजूद हैं और हज और उम्र के दौरान जब भी सही की जाती है तो सफ़ा मरवा के दरमियान सात चक्कर काटे जाते हैं यानी आप सफ़ा से स्टार्ट करके मरवा तक आते हैं तो वो एक बनता है फिर मरवा से वापस सफ़ा आते हैं तो दूसरा इस तरीके से सात बन जाते हैं और मुशर्क अरब के हाँ चूँकि जो इब्राहिमी तरीका था हज का वो टूटी फूटी फॉर्म में मौजूद था तो वो भी सफ़ा मरवा की सही किया करते थे जब बाद में लोग मुसलमान हुए और इसी तरीके से अनसार मदीना जिन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो रिलेक्टेंट थे इस हवाले से कि वो सफा मरवा उस वक्त बुतों की निशानियाँ भी बनी हुई थी तो उनके दिल में ये कलग था कि शायद ये सिर्फ प्योरली मशरकिन अरब की रसूत हैं इनका आसमानी दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो अल्लाह ताला तुन का वसफ़सा सेटल किया कि ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी ने अरब कर रहे हैं वो सब कुछ ही गलत है बल्कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है और इसकी डिटेल हमें जो है वो सही बुखारी के अंदर तो इतनी तफसील से नहीं मिलता लेकिन अगर आप तौरात तो देखें तो उसमें आपको डिटेल मिलेगी कि जो सैदा हाजर थी ये हाजरा लफ्ज़ गलत है ये लफ्ज़ है हाजिर सैदा इब्राहीम की जो दूसरी बीवी थी जिनसे इसमा इस्लाम पैदा हुए उन्होंने यानी अपने बच्चे के गम के अंदर सफ़ा से लेके मरवा तक उनके लिए पानी जब तलाश किया और कई एक चक्कर काटे और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सलाम के पास एक पानी का चश्मा जारी कर दिया तो उसी को ज़मज़म कहा गया और ज़मजम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया सईदाना हाजर सैदा हाजिर रदील्ल तसलम ने इसका मतलब है यानी रुक जा ठहर जा तो उनकी उस याद के अंदर अल्लाह ताला ने इसको यानी हिस्सा बना दिया उम्र और हज का सफा मरवा की सही करने को क्योंकि जब उस वक्त सफा मरवा था तो ये दो पहाड़ियां थी तो इस पहाड़ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे चढ़ते हुए या एक से दूसरी पे चढ़ने के लिए उतरते हुए आपको खुद बहुत स्पीड आपकी ज्यादा हो जाती है जब आप उतराई की तरफ आते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ वो वादी जो है वो फिल अप होनी शुरू हुई अल्टीमेटली फिर वो आलमोस्ट इस वक्त तो लेवल पे आ चुकी है लेकिन फिर भी सफ़ा और मरवा की जो वो पहाड़ियाँ हैं वो चटियल चट्टानों वाले पहाड़ उसके कुछ हिस्से अभी तक प्रिजर्व हैं उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा जो है वो एक केमिकल लगा के उसे प्रिजर्व किया हुआ है तो वो अभी भी नज़र आते हैं बहरल वो चूँकि उतराई थी तो उस दौरान सैदा हाजर जो है वो तेज़ी से वहाँ से गुजरी उतराई से तेज़ी से गुजरा जाता है तो नबी नबीलाम ने इस सुन्नत को फिर जारी फरमाया कि आबुला इस्लाम भी सफ़ा मरवा के दौरान उस जगह पर जब पहुँचते थे तो वो तेज़ी से दौड़ते थे लेकिन वो मुसनिद इमाम शाफी में मौजूद है अब्दुल्ला बिन उमर का कौल कि ये जो सफ़ा मरवा की जो सही में दौड़ना है और इसी तरीके से तवाफ़ काबा के दौरान रमल करना है ये सिर्फ़ मर्दों के लिए ख़ास है औरतों के लिए नहीं है औरतें ये काम नहीं करेंगी मर्दों के लिए ये सुनत है तो वो सफ़ा मरवा के अंदर जो सही की जाती है उसको अल्लाह तला ने कहा कि हमारी निशानियों में से है क्योंकि इसको हमारे एक पैगम्बर की बीवी के साथ नस्बत है इसलिए ये अल्लाह की निशानियों में से है सिम्बल्स ऑफ गॉड शायरुल्ला में से है फमन हज जल बईता अविता तो जो कोई भी बैतुल्ला का हज करे या उम्रा अदा करे फ़ला जुना है माँ तो कोई हर्ज नहीं है अगर वो इसके दौरान चक्कर काटे यानी वो जो उनके दिमाग में एक बात थी आ, न्यू मुस्लिम्स के कि शायद ये मुशरकिन अरब की रस्म है वो खत्म की गई कि ये कोई ऐसी बात नहीं है अल्लाह के शायर में से है अगर उन्होंने वहां पर बुत नस्ब कर दिए थे वो तो बैतुल्ला में भी उन्होंने तीन सौ साठ बुत नस्ब किए हुए थे सही बुखारी में आता है नबी इलाम ने फता मक्का के मौका पर खुद मुबारक छरी के जरिए उसको गिराया और आप वो आयत पढ़ते जाते थे और जाल हक वजहक अल कुल उलजाल हक वज़ाक बातिल इन अल बातिल काना जहूका हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल है ही मिट जाने के लिए तो बैतुल्ला के अंदर भी बुत रखे हुए थे तो इसका यह मतलब नहीं है कि बैतुल्ला की अज़मत ख़त्म हो गई है बल्कि उन चीज़ों से सफ़ाया करवाया गया हत्ता के खाना काबा की दीवारों के ऊपर सईदना इब्राहिम और इसमायल आलैम की तस्वीरें भी थीं नबीसम ने अपने मुबारक हाथों से मिटाई हत्ता के मुस्न्द आमद में आता है खाना क़़े की छत के ऊपर भी मौला अली को नबीलाम ने यानी सवार करके अपने कंधों पर तो भेजा और बुतों को तोड़ने के लिए और ख़ानकबे का चूँकि दरवाज़ा भी ऊंचा था तो वो आम आदमी तो उस पर चढ़ भी नहीं सकता था इसलिए वहाँ पे कोई सीढ़ी वगैरह लगानी पड़ती थी तो आप ख़ुद भी अंदर तशरीफ़ ले गए और आपने जाके इन बुतों को तोड़ा तो यहाँ पर ये यह कहा जा रहा है कि ये जो सफ़ा मरवा है ये अल्लाह की निशानियों में से हैं तो जो कोई हज करेगा बैतुल्ला का या उम्र पर आए तो उसको कोई हर्ज नहीं है कि इसको इसकी सही करें वहाँ पे तवाफ़ करें लेकिन ये तवाफ खान काबे वाला तवाफ़ नहीं होता खान क़ाबे का जो तवाफ़ है वो सात के सात चक्कर किबले के गर्द काटे जाते हैं और चक्कर का आगाज जो है वो हजर असवद वाले कॉर्नर से किया जाता है और उसी पर इख्ताम होता है लेकिन सफ़ा मरवा में सात चक्कर उस तरह नहीं ये साढ़े तीन ही बनते हैं सफा से मरवा एक मरवा से सफा दो फिर सफा से मरवा तीन और फिर मरवा से सफ़ा चार इस तरीके से ये आलमोस्ट साढ़े तीन चक्कर बनते हैं लेकिन इसकी लेंथ जो है वो खाना काबा के तवाफ़ से ज़्यादा ही बन जाती है अगर आप मुताफ़ के अंदर तवाफ़ कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छा खासा है आलमोस्ट आप समझ लें पौना किलोमीटर बन ही जाता है लेकिन उन्होंने इसको आलमोस्ट चक्कर की फॉर्म में इस तरह किया हुआ है कि जाने और आने का रास्ता अलग किया हुआ है ताकि वो आपस में कोई हर्डल भी ना हो अब तो माशाल्लाह एयर कंडीशन है हालांकि अभी भी कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज से 40-50 साल पहले हज किया तो वो बायदा छतरियाँ लेक या सफ़ा मरवा की सही करनी पड़ती थी धूप पड़ती थी अब तो वो ट्रिपल स्टोरी बन चुका हुआ है और वाइट मार्बल है और फुल एयर कंडीशन है वो तो इतना मज़ा है अब तो हज जो है वो उम्र तो बहुत आसान हो चुका है उस हवाले से अच्छा इस आयत के कॉन्टेक्सट में सही बुहारी में एक हदीस है कि एक ताबी आता है सईद आयशा के पास और आके कहता है कि ये जो सफा मरवा की सही है ये कोई ज़रूरी नहीं है मुझे तो यही लगा कुरान पढ़ने से क्योंकि अल्लाह तौर हमारा कोई हरज नहीं अगर तुम सफा और मरवा की सही कर लो तो अम्मा आयशा ने कहा कि तुमने ये रिजल्ट क्यों निकाला उन्होंने कहा कि जब ये कहा जा रहा है कोई हर्ज नहीं कर लो तो इसका मतलब है ना करो तब भी कोई हर्ज नहीं तो उन्होंने कहा ये हर्ज नहीं करने में इससे अल्लाह तला ने एड्रेस किया है उन न्यू मुस्लिम्स को जो ये समझते थे कि ये शायद मुशरकिन अरब की निशानी है तो अल्लाह कह रहा है कोई हर्ज नहीं है करो और फिर अम्मा आयशा ने कहा कि अगर अल्लाह ने यह कहना होता ना कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है तो अल्लाह तै कहता कि ना करो तो कोई हरज नहीं है ठीक है तो इससे ये बात पता चली कि क़राम नबी इस्लाम से फ़र्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करते थे और कुरान पा की आयात को वो मिनुवान उस तरीके से समझा देते थे तब तक उन्होंने पैगाम पहुँचाया तो ये क़ुरान सन्नत में से जो सिहबा कराम ने तालीमत हमें दी है नबी सल्लाम की तलीमत को समझ के उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आप डिट्रैक नहीं होंगे अदरवाइज अगर आप उसको अपने अतबार से देखना शुरू करेंगे तो फिर मामला ख़राब होंगे ये तो ताबी की बात है कि उन्होंने गलत फार्म लिया है इसका एक सिहाबी के बारे में भी आता है बुखारी मुस्लिम दोनों में सूरतुल्बरा किया नंबर वन एटी फाइव ऑनवर्ड जो रमज़ान का ज़िक्र है जिसमें कि जब तक सफ़ेद डोरा काले से मुमताज़ ना हो जाए उस वक्त तक खाते पीते रहो तो उन्होंने अपने तकिए के नीचे सफ़ेद और काले रंग के दो धागे रख लिए हुए थे और वो अंधेरे में चेक करते रहते थे जब तक वो दोनों का रंग एक दूसरे से मुमताज़ नहीं होता था उस वक्त सहरी करते थे नबीस्म के तक ये जब बात पहुँची तो आप फरमाया कि तेरा तक तो बहुत बड़ा है कि आसमान के डोरे भी उसके नीचे आ जाते हैं आप फरमाए इससे मुराद आसमान के डोरे हैं तो स्याब कर राम भी बात कुरान सन्नत की तालीबाद से कुछ बातों में दूसरा मतलब भी समझ लेते थे क्योंकि बास चीजें ज़ाहरी अल्फाज के साथ होती थी बास जो है मुहावरा तन होती थी लेकिन ये कहीं नहीं कुरान सुन्नत में आता है कि ना कोई बात तर्जमे में बैठ रही हो ना मुहावरे में कोई गलविच कोई और ही निकाल ली जाए ये काम कहीं भी नहीं होता क्योंकि अहले तस्वुफ़ का ये कहना है कि जो ज़ाहरी अल्फाज हैं इनको फॉलो नहीं करना होता बातनीफाज को देखना होता है इसके अंदर जो छुपे में और उनके बादनी बिल्कुल इसके उलट होते हैं यहाँ पर जितनी भी मिसालें उलट नहीं निकल रही दो फॉर्म्स बनती थी उनमें से एक आ गई यानी कहा जाए कि सफेद और काले डोरे को अलग करो तो जाहिर है कि एक डोरा यह हो सकता था कि दो धागे होते हैं सफेद और काले और दूसरे आसमान के ये तो नहीं है कि इससे कोई और रिजल्ट निकाल लिया उन्होंने कि सूरज जो है वो जब निसफ नह तक पहुंच जाए उस वक्त तक खाते पीते रहो ये तो रिजल्ट नहीं निकलता उसमें से सुफिया इसी किस्म के रिजल्ट निकालते हैं क्योंकि वो इया का व कबू का नाइन से बाबों को पुकारना भी निकाल लेते हैं बिल्कुल अपोजिट इधर भी आप देख लें कि अगर उससे आप ने रिजल्ट निकाला कि कोई हर्ज नहीं है अगर सफा और वरवा की सही कर लो तो ये रिजल्ट भी बन सकता था कि अल्लाह तरफ हमारा के कर लो तो कोई हर्ज नहीं है तो इंप्लाइड है ना करो तो कोई हर्ज नहीं है ये तो नहीं है कि भाई इस पर कोई ये रिजल्ट निकाल ले कि सफा मरवा की सही करना हराम है ये तो रिजल्ट नहीं निकलेगा दोनों तरफ निकल आता है इस एतबार से भी कि अगर कोई कर लेता है तो कोई हर्ज नहीं कोई नहीं करता तो कोई हर्ज नहीं सईद आशा ने कहा ये हरज से मुराद वो वाला हरज था ये करना जरूरी है तो ये माना भी बन सकता था ये लोग बिल्कुल अपोजिट मतलब निकालते हैं और कहते हैं बात नहीं अल्फाज होते हैं और सुन्नत में इस्लाम ने जो साहब कराम के जरिए तालीमत उम्मत तक पहुंचाई है अगर कहीं पर कंफ्लिक्ट आएगा तो उनके अकवाल की रोशनी में देखा जाएगा ना कि बुजुर्ग बाबों के अब अगर कोई कहकर सहाब कराम का हमने फार्म नहीं देखना हमने अपने बुजुर्गों का अपने का अपने पीरों का अपने सूफिया का अपने मुफसरन का अपने जो है वो आइम्मा का देखना है और नबी इसलाम को सहाबा को और अहल बैत को छोड़ देना है तो फिर इसका मतलब है जिनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज था वो तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे फिर हम आप, बिल्कुल आपको ठीक कह रहे हैं ना क्या कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पर गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और सहाबा का खुदा और है बाबों का खुदा और अहल बैत का खुदा और है बाबों का खुदा और और किताबों का जहां और है और बाबों का अपना ही एक जहां और है वक्र ही वक्र ही अपने जहां में एक जहां होता है ठीक हो गया जी तो ये इस बात का सबूत है कि सहाबा के फाम के साथ हमने किताब सुन्नत को लेके चलना है वमन मन तई और जो कोई ख़ुशी से नेकी कमाता है फ़ान अल्लाह शाह के रुन आलिम तो बेशक अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है इलम वाला है यानी सफा मरवा की सही करना सुन्नत इब्राहिमी भी है और सवाब का काम भी है